नमस्कार दोस्तों, हेलीकॉप्टर पे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से 5 दिन पहले टीवीएस ने लॉन्च किया था टीवीएस अपाची आरटीआर 204V रेसिंग एडिशन 2.0। तो अपन आज देखते हैं कि इस रेसिंग एडिशन में और पुराने जो अपाची 200 में इसमें क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या नए फीचर्स इस बार टीवीएस ने लेके आया है। तो पूरे विस्तार से अपन आज देखने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हेलिकल शिफ्टर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मुझे अपाची चलाने बहुत एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक ओनर हूँ अपाची 160 जो रिसेंट एडिशन है, हाइपरेज एडिशन है। तो अब 2 साल उसका एक्सपीरियंस है और 4 साल पुराना है जो अपाची सीरीज था, पहले वाला सीरीज जो 2000s में रिलीज हो गया था, तो उसका भी मुझे 4 साल एक्सपीरियंस है। तो अब मुझे एक अच्छा खासा नॉलेज है और टेस्ट है अपाची सीरीज में। अगर टीवीएस ने अपाची ब्लडलाइन सीरीज में एक नया गाड़ी लॉन्च करता है तो सिर्फ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन पढ़ के मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं उतना मुझे नॉलेज है अपाची बाइक्स में। अब 4 साल चला के मुझे उतना नॉलेज A to Z नॉलेज मिल गया। अभी फीचर्स पढ़ के मैं समझ लेता हूँ कि क्या इस बार क्या क्या नया फीचर्स टीवीएस ने लेके आया है बाइक्स में। तो बिना चलाए मुझे पता चल जाएगा क्या क्या बाइक कैसे होने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं अपाची 200 और दूसरे प्राइस का जो स्पेक्स है और प्राइस रेंज है, कंपेयर करते हैं, आखिर में डिसाइड करते हैं कि ये वर्थ फॉर मनी है कि नहीं, आपको ये लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले अपन इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे अगर क्या है इसमें स्पेशल। तो पहले अपाची आरटीआर 204V रेस एडिशन 2.0 एक ऐसी बाइक है, इंडिया में पहली बाइक है जो ARTस्लिपर क्लच सपोर्ट करता है। इसका मतलब है एंटी रिवर्स टॉर्क स्लिपर क्लच। मैं इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगा क्या कि आखिर क्या है ARTस्लिपर क्लच, इसका काम क्या है, ये क्या करता है। तो डिटेल में पूरे आपको डिटेल में आपको मैं आगे बता दूंगा। तो इस बार टीवीएस ने थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन लेके आया है। टैंक में आप देख सकते हैं शार्प कट स्टिकर और पिलियन, सीट का नीचे जो रियर फेयरिंग है उसमें भी शार्प कट स्टिकर्स है जो रिफ्लेक्ट करता है एक रेसिंग DNA जैसे टीवीएस डिमांड करता है। तो इसमें दोनों वेरिएंट अवेलेबल है, ABS और FI, और कार्बोरेटर भी अवेलेबल है इसमें। तो इसमें इस वेरियंट्स में थोड़ा फ़र्क है, सभी में एक ही ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या क्या मिलेगा तो आगे मैं पूरा डिटेल में कवर कर दूंगा। और फ्यूल वेरिएंट जो है वो बोश का रिलेटेड वो लोग मैन्युफैक्चर किया है, और ये ABS वेरिएंट विद ड्यूअल चैनल है। तो आपको बहुत बेहतरीन एक फीचर है ड्यूअल चैनल ABS, और RLP फीचर भी है जो है रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। अब जब सडन ब्रेक करते हैं तो कभी कभी नॉर्मल बाइक्स में क्या हो जाता है कि रियर व्हील ऊपर हो जाता है, रोड से ऊपर हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है इस रेसिंग एडिशन में। तो रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन भी इस बाइक में मौजूद है। तो ये फीचर आपको कॉर्नरिंग में जब सडन ब्रेक, हार्श ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो तभी बहुत काम आएगा। और अब हम जाएंगे इसके फीचर्स में। तो पहले फीचर है हाँ ARTएंटी रिवर्स टॉर्क स्लिपर क्लच। तो ARTटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो रिड्यूस करता है वो क्लच फोर्स को अप टू 22% रिडक्शन इन क्लच फोर्स है इसमें। यानी कि जो अपाची सीरीज सभी 160, 180 पुराने 200 में क्लच थोड़ा हार्ड साइड है, तो मतलब आपको क्लच थोड़ा स्ट्रांगली दबाना पड़ेगा गियर शिफ्टिंग करते हुए। तो इस बार ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है क्योंकि बटर स्मूथ गियर शिफ्टिंग आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये एंटी रिवर्स टॉर्क सपोर्ट करता है। एंटी रिवर्स टॉर्क मतलब जब आप क्लच पुल करते हैं तो वो क्लच लीवर में जो आपको एक फोर्स आपको पुल करने का, रिवर्स पुल करने का एक फीलिंग आ जाता है पुराने अपाची सीरीज में। तो इस बार वो फोर्स आपको उतना महसूस नहीं होगा क्योंकि टीवीएस ने पूरा उस फोर्स को अप टू 22% रिड्यूस कर दिया है ताकि आपको एक स्मूथ गियर शिफ्टिंग करे,
उतना प्रेशर आपको फिंगर्स में, आपका फिंगर्स में उतना प्रेशर, क्लच प्रेशर आपको नहीं पड़ेगा, तो इजीली आप गियर शिफ्टिंग इजीली कर सकते हैं। तो इससे आप बहुत क्यूकर आप शिफ्ट करते हैं। आप अगर एक प्रोफेशनल रेसर हो तो आपको लैप टाइम्स के बारे में पता होगा, तो इजीली आप शॉर्टर लैप टाइम्स इसके मदद से कर सकते हो। यह TVS का डिमांड है। अगर आप पुराने TVS Apache सीरीज अगर आप चलाए हैं तो आपको मालूम होगा कि गियर शिफ्टिंग TVS सीरीज में बहुत हार्ड है, बहुत ज़ोर से आपको गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है। तो इधर ये एंटी टॉर्क स्लिपर क्लच बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि आपका गियर शिफ्टिंग बटर स्मूथ होने वाला है और क्लच का फोर्स भी बटर स्मूथ है, हल्का क्लच आपको मिल जाएगा इसमें। तो आपको इस प्राइस रेंज में क्या क्या फीचर्स आपको मिल रहा है देखिए, हम बात करेंगे इसमें कलर वेरिएंट्स का, क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। तो पहले ब्लैक है, फुल ब्लैक एंड रेड ग्राफिक्स, और दूसरा जो आपको मिल जाएगा फुल ग्रे ऑन येलो ग्राफिक्स, एंड तीसरा फुल रेड ऑन ब्लैक ग्राफिक्स, वाइट फुल वाइट एंड ऑरेंज ग्राफिक, मैट ब्लैक रेड ग्राफिक। तो टोटली 5 कलर वेरिएंट्स आपको ऑप्शंस में है। अब हम जाते हैं उसका स्पेसिफिकेशंस में। पहले अपन देखेंगे इंजन एंड परफॉर्मेंस में। इसमें आपको मिलता है इंजन कैपेसिटी 197.75 सीसी का इंजन आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही पहले वो पुराने 200 में है वही सेम इंजन है, सिंगल सिलेंडर इंजन है। मैक्सिमम पावर आके 20.5 PS एट 8500 RPM और मैक्सिमम टॉर्क आके आपको मिल जाएगा 18.15 उसके आसपास आपको मिल जाएगा एट 7000 RPM। और इसमें आप अगर आप कार्बोरेटर वर्जन ले रहे हैं तो उसका कार्बोरेटर आके केहिन CV कार्बोरेटर है, और अगर आप फ्यूल इंजेक्शन ले रहे हो तो इसमें आपको मिल जाएगा बॉश का क्लोज लूप फ्यूल इंजेक्टर। और इसका कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि ऑयल कूलर भी है विथ रैम एयर असिस्टेंस, मतलब जो टैंक कॉल आता है वो भी इंजन हीट रिडक्शन में काम करेगा। तो इसमें गियर बॉक्स का लिमिट है, 5 स्पीड गियर बॉक्स है, 130 किलोमीटर पर आवर इसका मैक्सिमम स्पीड है, पीक पावर आके 20.5 PS एट 8500 RPM और 21.0 PS एट 8500 RPM। तो इसके बीच में आपको पीक पावर मिल जाएगा, और पीक टॉर्क के 18.1 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, इनिशियल एक्सेलरेशन, मिड रेंज एक्सेलरेशन और टॉप एक्सेलरेशन, मतलब 100। तो 38 किलोमीटर पर आवर ये जाता है इन विद इन 2 सेकेंड्स, और 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ये जाता है 3.95 सेकेंड्स में, और 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है ये जाता है 12.1 सेकेंड्स में। तो ऑलमोस्ट पुराने अपाची में ऑलमोस्ट सेम है इसका, 0 टू 60 और 0 टू 100 का जो टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है। और इसका फ्रेम है डबल क्रैडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ फोर्क सस्पेंशन है, फ्रंट का टेलीस्कोपिक फोर्क आपको मिल जाएगा, रियर सस्पेंशन में मोनोट्यूब मोनोशॉक आपको मिल जाएगा, फ्रंट का जो है कायाबा टेलीस्कोपिक फोर्क है, और बैटरी 12 वोल्ट 9 एम्पियर का है, हेडलैम्प्स LED पोजीशन डे टाइम रनिंग लैम्प आपको मिल जाएगा जो अपाची में और बुलेट लाइन में मौजूद है। बात करेंगे टायर साइज का, टायर साइज आपको आगे मिल जाएगा 90x90 17 इंचेस ट्यूबलेस, और रियर टायर आपको मिल जाएगा 130x70 या 17 इंचेस ट्यूबलेस। फ्रंट डिस्क का अगर अपन बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 270mm पेटल टाइप डिस्क ब्रेक्स, और रियर का अगर बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240mm पेटल टाइप डिस्क ब्रेक्स। ब्रेक फ्लूइड आके .3 या .4 आप डलवा सकते हो। ABS में ड्यूअल चैनल ABS आपको मिल जाएगा विद RLP कंट्रोल, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि RLP कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाएगा। और इसका हाइट आके आपको 1105 mm है, लेंथ आके 2050 mm है, विड्थ 790 mm है, व्हील बेस 1353 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस आके 180 mm है, एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस भी इसको है
जैसे सेम ग्राउंड क्लियरेंस है अपाची 200 रेसिंग एडिशन और नॉर्मल एडिशन में। इसका टैंक का कैपेसिटी है 12 लीटर्स टैंक और रिजर्व है 2.5 लीटर्स। अब हम बात करेंगे इसका प्राइस में, तो एक शोरूम प्राइस दिल्ली है इसका 95,185, तो ऑन रोड आपको ये मिलेगा ऑलमोस्ट लाइक 1,09,000 में। और आप अगर आप कार्बोरेटर वर्जन लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा ड्यूअल चैनल एबीएस विद कार्बोरेटर वर्जन, ऑन रोड प्राइस आके आपको मिल जाएगा 1,10,000 नियरली 10,000। अगर आपको FI वर्जन चाहिए तो आपको ड्यूअल चैनल एबीएस आपको उसमें नहीं मिलेगा, उसका प्राइस आके आपको मिलेगा लाइक 1,07,000 लाइक 1,08,000 में। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कार्बोरेटर वर्जन ले विथ ड्यूअल चैनल एबीएस, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन है जो ओनली रेस ट्रैक में आपको उसका मज़ा उठा पाओगे, सिटी राइड्स में आपको कार्बोरेटर वर्जन ही बेस्ट है मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपको इसमें आपको ड्यूअल चैनल एबीएस भी मिल जाएगा और कार्बोरेटर मतलब आप उनको सभी बाइक्स इंडिया में मोस्टली 90% बाइक कार्बोरेटर में ही वर्क करता है, तो फ्यूल इंजेक्टर्स बहुत कम है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप डुअल चैनल एबीएस बाइक ही ले, माने थोड़े खर्चा हो मगर आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि एबीएस एक ऐसा फ्यूचर है बाइक्स में जो आपका जान बचा सकता है कभी भी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि डुअल चैनल एबीएस बाइक ही ले। तो मैं पूरा इसका स्पेसिफिकेशन और फीचर्स पूरा मैं अब बता चुका हूँ, आप डिसाइड करेंगे कि ये वर्थ फॉर मनी है, आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये देखेंगे तो इसका जो फीचर है स्लिपर क्लच टेक्नोलॉजी, तो आज कोई बाइक में इंडिया में कोई भी बाइक में ये अवेलेबल नहीं है। और दूसरा फीचर जो है RLP रियल व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जब हार्श ब्रेकिंग करते हैं तो आपका जो गाड़ी का रियल व्हील है वो ऐसा लिफ्ट हो जाएगा, तो वो इसमें नहीं होगा इस बाइक में ऐसा। तो इसका भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी अपाची रेसिंग एडिशन में लेके आया है, वो भी एक अच्छी बात है। तो जब ये फीचर्स अपन दूसरे बाइकों से कंपेयर करते हैं तो इस सेगमेंट में जैसे पल्सर NS 200 नहीं तो दूसरा ऐसे बाइक जो है FC 250 इससे कम्पीट कर सकते हैं, मगर वो बाइकों में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। इसमें यही स्पेशलिटी है कि स्लीपर क्लच टेक्नोलॉजी है, RLP है और इसका प्राइस रेंज भी उससे बहुत कम है। अब अपन ये फीचर्स सब देखते हैं तो इसलिए रिजल्ट आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि इतना कम प्राइस रेंज में आपको इतना सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी भरा हुआ एक बाइक मिल रहा है और दूसरे साइड में जो बाइक्स है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से है, तो आपको बहुत महंगा भी पड़ेगा वो बाइक्स और उसमें फीचर्स भी नहीं है। इधर आप अपाची को देखेंगे तो इसमें मॉडर्न फीचर्स सभी फीचर्स है इसमें और उसका प्राइस रेंज भी कम है। और एक एडवांटेज TVS का ये है कि आपको इंजन में कभी भी ऐसा बड़ा इश्यू कभी नहीं आएगा, इंजन के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है TVS में, क्योंकि इंजन बनाने में TVS लोग माहिर है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बोला था कि मैं अपाची 4-5 साल से चलाते आ रहा हूँ और मुझे पूरा पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है। तो इंजन वाइज आपको कोई भी इश्यू आपको कभी भी नहीं आएगा, ये तो गारंटीड है। तो लास्ट ईयर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये वैल्यू फॉर मनी है, आपको अगर ये बाइक पसंद आया, इसका फीचर्स पसंद आया तो आप ज़रूर जाके ले सकते हो, क्योंकि यहाँ रिजल्ट बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे कितना अच्छा फीचर्स मिल रहा है इतना कम प्राइस रेंज में, उधर आपको फीचर्स नहीं है, प्राइस भी ज़्यादा है दूसरे बाइकों में। तो हियर द विनर इज अपाची 204V इजिली। बट एक विषय है जिसमें मुझे डाउट है, क्या है कि वाइब्रेशंस, जो अपाची पूरे सीरीज में वाइब्रेशन का वो नाम गिफ्टेड है, तो सभी बाइकों में वाइब्रेशंस है, मेरे बाइक में भी वाइब्रेशन है, तो मुझे ये थोड़ा सा डाउट है, मगर मुझे लगता है कि इस रेसिंग एडिशन में TVS ने कवर कर चुका होगा, वाइब्रेशन को रिड्यूस कर चुका होगा। लेकिन एक बार आप
टेस्ट ड्राइव करके देखे कि वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं 4000 to 5000, वो जब हम 4000 to 5000 RPM क्रॉस करते हैं तो वाइब्रेशन आता है कि नहीं, एक बार आप टेस्ट राइड करके देखिए एक बार, अगर वाइब्रेशन नहीं आ रहा है तो बाइक इज परफेक्ट। तो हम वीडियो यही खत्म करते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल का ऐसा नहीं बनाए तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए, और अगर आप कोई सजेशन है बाइक्स के रिलेटेड, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ओनली वन लाइफ, हैंडल विद केयर, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट हियर, पीस।